क्या आपको पता है कि कराची जू में वाइल्ड लाइफ म्यूजियम भी है। यहाँ पे जंगली हयात भी पाए जाते हैं जो कि निहायत ही नायाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमल खान और आज विजिट कराऊंगी कराची जू के म्यूजियम में। 40 रुपए का टिकट है यहाँ का। अंदर चलते हैं और देखते हैं म्यूजियम कैसा है। तो यहाँ पे डिफरेंट गैलरीज नजर आ रही हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट 180 मैमल्स, बर्ड्स और स्पीशीज मौजूद हैं। इस म्यूजियम में आपको डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे और ये सारे के सारे जब नेचुरल डेथ इनकी हो जाती है तो उसके बाद इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ओके जी, सबसे पहले बात करते हैं इन एनिमल्स की स्किन की, कि इनकी जितनी भी स्किन है वो सारी नेचुरल है लेकिन इनके अंदर सारी स्टफिंग की जाती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद इनकी जो स्किन है उसको प्रिजर्व किया जाता है डिफरेंट केमिकल्स के साथ और इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों के साथ स्टफिंग की जाती है और इसको बाकायदा वही शेप दी जाती है। तो काफ़ी मुश्किल काम है और काफ़ी केमिकल्स इस पर अप्लाई किया गया होता है। ओके जी, म्यूजियम में आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, किसी किसी एनिमल की स्टफिंग बहुत अच्छी है और किसी किसी की स्टफिंग, जैसे कि ये मंकीज आप लोग देख रहे हैं, इनकी स्टफिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही है। ये पता चल रहा है कि भाई इनकी स्टफिंग है या ये कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल इसमें है। अच्छा जी, सबसे पहली बात कि यहाँ पे अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएँ ताकि वो लोग करीब से इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि वैसे जो एनिमल्स हैं वो सारे इतने केजेस के पीछे होते हैं कि वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये गैलरीज में मौजूद हैं तो बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, बड़े बच्चे सब देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से इनको प्रिजर्व करके रखा गया है और समझ आ रही होती है कि कौन सा एनिमल किस तरह का है। और इसके अलावा जी, कुछ ऐसे म्यूज़ियम भी हैं जहाँ पे ये बिल्कुल गैलरी के अंदर नहीं है, आप उनको टच करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह कभी उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, वो सारे आपको गैलरी के अंदर, शीशे के अंदर आपको नज़र आएंगे। तो म्यूज़ियम में और ज़ू में काफ़ी डिफरेंस है। म्यूज़ियम में आपको जितने भी एनिमल्स, मैमल्स, स्पीशीज़ हैं वो आपको जो प्रिजर्व हुए हुए होते हैं वो आपको नज़र आते हैं और ज़ू में आपको ज़िंदा जानवर नज़र आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जी, ये बहुत अच्छी एक जगह है, एक अच्छा म्यूज़ियम है जूलॉजी वालों के लिए। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पे ऑब्वियसली जाते ही जाते होंगे और थोड़ा सा विज़िट करते होंगे। कितनी प्रेजेंटेशंस होती हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाते होंगे। अच्छा जी, तो ये लोग क्लेम करते हैं कि इस म्यूज़ियम में 180 एनिमल्स यहाँ पे इन्होंने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। मैंने काउंट तो नहीं किए लेकिन काफ़ी सारे लग रहे हैं, क्योंकि बड़े जानवर भी हैं, छोटे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, सो काफ़ी सारे हैं। और अगर किसी ने काउंट किए हो कभी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैंने काउंट नहीं किए। लेकिन ये लोग क्लेम ये करते हैं कि 180 एनिमल्स हैं यहाँ पे। अच्छा, इन एनिमल्स का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ज़रूर रियल लगता है और इतने ख़तरनाक जानवर इस तरह से इतने करीब से पहले कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि इनको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आधे रियल हैं और आधे जो है वो आर्टिफिशियल हैं। और है भी ऐसे ही, क्योंकि स्टफिंग और है लेकिन जो स्किन है और स्पेशली जो आइज़ होती हैं ये भी ओरिजिनल होती हैं।
ये भी भाई एक आर्ट है और बहुत ही मुश्किल तरीन काम है कि इस तरह से एनिमल्स को रखना और प्रिजर्व करना, और पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स इन पे अप्लाई होते हैं। कोई कोई जानवर तो बिल्कुल आपने वीडियो में भी ऐसे देखे होंगे कि बिल्कुल रियल लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ज़िंदा है ये जानवर, लेकिन वो नहीं है। और बड़ा मुश्किल आर्ट है भाई ये भी। आज तो भाई बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे वॉइस ओवर करने में, क्योंकि गला मेरा बहुत ही ख़राब है, वीडियो में भी समझ आई होगी, तो उसके लिए माजरत। और लोकेशन यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी, टाइमिंग भी मैं मेंशन कर दूंगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और एक नई वीडियो थी, एक नई जगह थी। सो ज़रूर जाइएगा आप लोग भी, सस्ता सा टिकट है और अच्छी सी जगह है, आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। कराची जू में भी अब ऐसी चीज़ें आने लग गई हैं। ठीक है, इसके बाद जी एक और प्यारी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कॉमेंट ज़रूर कर दें। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।